الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. सुरगा ने महतरम दो तीन मतफरक बातें आज की मजलिस में आपकी खिदमत में पेश करनी है ख़ुशी मिले या गम सहना पड़ता है ख़ुशी मिले, मिले या गम सहना पड़ता है खुदा जिस हाल में रखे रहना पड़ता है ख़ुशी मिले या गम सहना पड़ता है खुदा जिस हाल में रखे रहना पड़ता है ज़िंदगी को दरिया के पानी की तरह ज़िंदगी को दरिया के पानी की तरह वक्त के बहाव के साथ बहना पड़ता है दिल के समुंदर में जब गम की लहरें उठने लगे दिल के समुंदर में जब गम की लहरें उठने लगे तो आँखों से आँसुओं को बहना पड़ता है अमीर हो या गरीब शाह हो या गदा अमीर हो या गरीब शाह हो या गदा एक दिन सब को दुनिया को अलविदा कहना पड़ता है एक दिन सबको दुनिया को अलविदा कहना पड़ता है आप जानते हैं आज नमाज जहर के बाद हमने जिनकी नमाज जनाजा अदा की जिससे मेरी मुराद है फरीद भाई हाफिज़ जी अल्लाह तबारक व तला मरहूम की मफ़रत फरमाए जन्नत फिरदोस में आला व बाला मकाम से नवाजे ये बताया गया कि मरहूम पुराने लोगों में से थे जब ये मस्जिद उसका क़याम अमल में नहीं आया था तो इस मस्जिद के क़ियाम और आमल में आने से पहले पुराने हजरत जानते हैं और आज र के बाद हमारे मोहतरम यूसुभा भाई ने तस्करा भी किया था कि इस्लाम के नाम से सोसाइटी का क़याम वजूद में आया था तो ये उस वक्त से जिम्मेदारों में से थे नकीबुल इस्लाम सोसाइटी के जो ज़िम्मेदार थे उनमें भी इनका नाम आता है और फिर बाद में ये मस्जिद जिसमें मैं और आप जमा हैं बैठे हुए हैं इसका क़्याम अमल में आया तो इसमें भी उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी रही और एक साहिब ने बताया कि माली एतबार से भी उन्होंने अपना एक अहम रोल अदा किया था कि माली तौर पर भी उन्होंने मदद की थी ये सिर्फ़ एक आदमी नहीं थे बहुत से हज़रा ने माशा कुर्बानियाँ दी नकीबुल इस्लाम सोसाइटी उसका अमल वजूद में आया उसके बाद ये मस्जिद जो है उसका वजूद अमल में आया कुछ लोग अभी ब़ैद हयात है अल्लाह तबारक व ताली उनकी उम्र में बाआफियत बरकत नसीब फरमाए और जो दुनिया से चले गए अल्लाह तबारक व ताली उनकी कब्रों को नूर से मुनवर फरमाए और बगैर हिसाब किताब के तमाम को जन्नतुल फिरदौस में आला व बाला मक़ाम से नवाजे मस्जिद की खिदमत क़ुरान करीम ये कहता है कि ये ईमान वालों की अलामत में से है कुरान करीम ने एक मकाम पर फरमाया कि इमा या आमन मसाजिद्ल वल वलियामिल आखिर मफहम यह है कि मस्जिद की तामीर वही लोग करते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तला पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया कुरान करीम ने या का कि इन नवा या अमरु जो तामीर से हैं यानी मस्जिद को बनाना तो यहाँ सिर्फ लफ्ज़ी माना नहीं है कि एक आदमी मस्जिद को सिर्फ़ बना दे तो यही बात उसमें दाखिल ऐसा नहीं है साहिब कुरान साबिक मुफ्ती आजम पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहिब नौरल्ला मरकदहू ने मारिफुल कुरान में लिखा है कि इस आयत करीमा की तफसीर में ये भी दाखिल है कि जो मुसलमान मस्जिद की सफ़ाई करता है मस्जिद की पाकी का ख़्याल रखता है जो मुसलमान मस्जिद के अंदर अपना मान लगाता है जो मुसलमान मस्जिद के अंदर अपना टाइम देता है अपना वक्त लगाता है जो आदमी मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता है यानी इमाम जो आदमी अज़ान पढ़ता है नमाज़ के लिए यानी मुअज्जिन और जो लोग मस्जिद का ज़ाहरी इंतज़ाम संभालते हैं यानी कमेटी के हजरात, जिनके नाम पर वैसे मस्जिद का मालिक कोई नहीं होता चाहे ट्रस्टी एक के नाम पर दो के नाम पर तीन के नाम पर मस्जिद दुनियावी कानून की रूह से हमें कुछ कार्रवाई करनी पड़ती है किसी के नाम पर करना पड़ता है लेकिन उसके नाम पर कर देने से भी वो आदमी मस्जिद का मालिक नहीं बन जाता मस्जिद का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक वाल है तो हज़रत ने लिखा कि जो लोग मस्जिद के इंतज़ामी अमूर को संभालते हैं अब उसमें कमेटी के हजरत भी शामिल है ट्रस्टी हजरात जो हैं वो भी शामिल है तो फरमाया कि ये लोग भी इस फजीलत में दाखिल हैं लेकिन एक बात लिखी कि शर्त यह है कि ये तमाम काम इखलास से अंजाम दिए जाए ये बुनियादी शर्त है आदमी टाइम भी लगाता है वक्त भी देता है समय भी खर्च करता है पैसा भी जो है वो लगाता है इमामत भी कराता है और अज़ान भी पढ़ता है मस्जिद की सफ़ाई भी करता है मस्जिद में पैसा भी लगाता है ये सब कुछ अगर आदमी करता है लेकिन अगर नीयत में फतूर है और खोट है तो फिर कुछ काम नहीं क़ुरान ने फ़रमाया कि वमा अमिर लिया अब्दुल्ला मुखलसना लहुद्दीन कुल इन उमिर तो नाबल्ला मुखलसल लहुद्दीन अब इखलास की क्या क्यात है कैसे हम पहचानेंगे कि यह आदमी ये काम इखलास से कर रहा है उसका अंदाज़ा कैसे होगा उसका पता कैसे चलेगा कि यह आदमी काम इखलास से कर रहा है तो एक बड़े मशहूर आलिम गुजरे हैं हज़रत रुनून मिसरी बुज़ुर्ग भी हैं तो उन्होंने लिखा कि इखलास की तीन अलामत है अगर कोई आदमी अल्लाह के लिए कोई काम कर रहा है ये उसका दावा है तो देखो कि उसके उस काम में उसकी लाइफ में उसकी ज़िंदगी में तीन बातें शामिल है या नहीं कोई काम करे दीन का दावत व तबलीग के काम से मुनसलिक हो दरसो तदरीस के काम से मुनसलिक हो इमामत के शोबे से मुनसलिक हो मुअज्जिन के फराइज जो हैं वो अंजाम दे रहा हो ख़ान जो हैं चला रहा हो शेख हो कोई दीन का काम हो तो देखो उसमें तीन बातें पाई जा रही है या नहीं तीन क्वालिटी उसमें है कि नहीं तीन सिफ़ात उसमें है कि नहीं करना काफ़ी नहीं है काबिलियत अल्लाह के यहाँ नहीं देखी जाती कबूलियत देखी जाती है। दुनिया में काबिल तो बहुत है और लोग काम भी बहुत करते हैं दीन के शोबे में लेकिन वो रिवायत का मफहम जहन में लाओ कि जो मुझे और आपको झंझोड़ती है कि दुनिया में हर काम करने वाला अल्लाह के लिए नहीं कर रहा होता इखलास के लिए नहीं कर रहा होता बल्कि कुछ लोग इसलिए करते हैं कि मेरा नाम हो जाए मुझे शाबाशी मिले उसमें रिया जो हैं वह दाखिल होती है या ये कि उन्हें बड़ा बनना होता है कि हम बड़े बन जाएंगे लोग हमारे सामने अजमत के साथ और एहतराम के साथ पेश आएंगे। अला बलएँ वो लगी रहती हैं। इसीलिए हुजूर ने फरमाया मफहमूम ये कि सबसे पहले जिन लोगों से जहन्नम को दहकाया जाएगा तो वो कौन लोग होंगे तीन लोग होंगे और वो तीनों में किसकी कमी होगी इखलास की कमी बाक़ी काम तो उन्होंने किया कि उसमें एक कारी और यहाँ कारी से मीनिंग सिर्फ़ वो क़ुरान करीम पढ़ने वाला नहीं है ने लिखा कि इसमें आलिम भी शामिल है कारी भी शामिल और आलिम भी शामिल तो देखिए उसने तो खिदमत की मदरसा पढ़ाया इमामत कराई ख़ानका जो है वो चलाई दावत व तबलीग में काम के काम में जो है वो वक्त लगाया उसने किया है हदीस बता रही है कि उसने वो काम किया ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम उसने वो काम किया वक्त उसने खर्च किया लेकिन खोट किस में थी नीयत में तो एक तो वो आलिम और वो कारी और दूसरा मालदार आदमी कि उसने खूब माल खर्च किया दीन के रास्ते में लेकिन नीयत सही नहीं थी चाहे मैं ज़ुबान से लोगों को कहता रहूं कि मैं अल्लाह के लिए करता हूं लेकिन मेरे दिल में आपके दिल में जिस किसी के दिल में जो चोर छुपा बैठा है तो वो तो अल्लाह की ज़ात जानती है हज़रत मौलाना हकीम मोहम्मद अख्तर साहिब अल्लाह मरक़द एक शेर पढ़ा करते थे कि आँखों की खयानत दिलों के राज, आँखों की खयानत दिलों के राज, सब को जानता है तू मालिक बेनियास सबको जानता है मेरे दिल में आपके दिल में क्या है वो मालिक बे नियास सब को जानता है वो तो बिदाती सुदूर है कि भाई माल जो है वो किस लिए खर्च किया तो माल भी सही नीयत से ख़र्च किया करो किसी को जलील न किया करो माल देकर किसी को बेइज़्ज़त मत किया करो नहीं देना है मत दो अच्छी तरह जो है मना कर दो कि भाई हमें आपको नहीं देना है। या तो हमारे पास नहीं है या नहीं देना है आपको हमारा दिल गवारा नहीं कर रहा लेकिन बेइज़्जती जो है वो नहीं करनी चाहिए वरना जो हाथ आज देने वाला है कल लेने वाला भी हो सकता है आज का करोड़पति कल का रोड़पति भी हो सकता है और बहुत दूर ना जाइए मैं आपको चंद साल पहले की बात बताऊं 2002 में इंडिया के अंदर कछभूज गुजरात में पड़ता है तो कछबूज के अंदर जलजला आया था और इतना जबरदस्त जो है वो जलजला आया कि सब कुछ तबाह बर्बाद करके रख दिया तो बड़े बड़े सोने चांदी के व्यापारी बड़े बड़े बिल्डर हजरात बड़े मालदार हजरात सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया जो करोड़पति थे वो रोडपति हो गए और हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहिब बाडोली हाफिज जी दामद बरका तोहुललिया उनका वहाँ दौरा हुआ था कचबूज का फिर वो वहाँ से तशरीफ लाए हमारी तरफ एक बस्ती है छोटा भाई दाना जो है शब्बीर तो उनका गांव है तराज तो तराज के अंदर हजरत ने कारगुजारी बयान की थी मुफ्ती महमूद साहिब ने किबूज के, के क्या हालात है और वो क्या देख कर आए तो उसमें उन्होंने कहा है उस कारगुजारी के अंदर कि वहाँ हमने देखा कि कुछ लोग चेहरा छुपाकर हाथ फैला रहे हैं कि चेहरा छुपाया हुआ है और कुछ ने मर्दों को नहीं कुछ मर्द नहीं आ रहे मैदान में लेने के लिए औरतों को भेजा है ताकि वो पर्दे में औरत है तो पता नहीं चलेगी कि कौन है तो पूछा गया कि ये कौन लोग हैं कि जो अपना चेहरा जो है वो छुपा रहे हैं और लाइन में खड़े हैं कि इमदादी सामान जो है वो तकसीम हो रहा है खाने पीने की चीज़ें और उड़ने की चीज़ें रहन सहन की चीज़ें ये तकसीम हो रही है तो उनको बताया गया बाद में कि इनको शर्म आ रही है हाथ फैलाते हुए क्यों ये हाथ जलजले से पहले देने वाले थे आज लेने वाले बन गए जलजले से पहले ये ये 2002 की बात कर रहा हूं कि ये देने वाले थे आज लेने वाले बन गए अब उनको शर्म आ रही है कि जिन्होंने जिंदगी में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया आज मजबूरी है पेट क्या कुछ नहीं करा था है हाँ जिंदा रहने की तलब क्या कुछ नहीं करा थी तो इसलिए वो आज मांगने पे मजबूर हो गए इसलिए उन्होंने अपने चेहरे को जो है वो छुपाया हुआ है बहरहाल मैं आपको ये कह रहा था कि चले एक बात और कह दूँ मेरा जो गांव है लाजपुर उसके पड़ोस में एक बस्ती है सचिन नज़ीर भाई भी अभी जा के आए ये हजरत भी जानते हैं वहाँ अभी भी सचिन जो हैं वहाँ पर नवाब लोगों की क्या है वो किला है नवाबों का बड़ा जाहो जलाल था शान शौकत थी वो नवाबों की लेकिन आज आप जाकर देख लीजिए वो खंडरात हैं और वही नवाब के माल और दौलत की कमी नहीं थी आज वो भी हाथ फैलाने पे मजबूर तो बहरहाल माल उसने लुटाया लेकिन नीयत सही नहीं थी तीसरे नंबर पर तो उससे बढ़कर के कि मुजाहिद आदमी यानी माल खर्च किया फिर भी उसके पास माल तो बचा इल्म खर्च किया ज़िंदगी बची लेकिन मुजाहिद आदमी के जिसने गर्दन को ही कटा दिया अब तो उसकी ज़िंदगी क्या हो गई ख़त्म हो गई तो अल्लाह ताला कहेंगे कि इसको भी जो अपने आप को मुजाहिद कहता है जो आलिम कहता है जो मालदार कि मैंने यूं लुटाया यूं लुटाया यूं, लुटाया, यूं दिया इन तीनों को जहन्नम में डाला तो पता चला कि चाहे अल्लाह की राह में आदमी गर्दन तक कटा दे लेकिन नीयत में फतूर नीयत में फसाद इखलास से अमल खाली तो अल्लाह ताला के यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है इसलिए मुझे और आपको हमेशा अपनी नीयतों को टटोलते रहना चाहिए वरना शैतान दीनदार लोगों को इसी रास्ते से मारता है इसको पता है कि ये तो नमाज तो नहीं छोड़ेगा ये शराब तो नहीं पिएगा लेकिन इस रास्ते से फिर वो मारता है तो जुन्नून मिसरी अ ने फरमाया कि इखलास की तीन अलामत नंबर एक कि वो जो भी काम कर रहा है दीन का उसमें इखलास है कि नहीं पहली अलामत उसके नज़दीक मद हो रम बराबर हो उसके नज़दीक मद हो रम। मैं जरा आसान जबान में आपको समझाऊँ मद कहते हैं तारीफ को और म कहते हैं बुराई को कि कोई उसकी तारीफ करे या कोई उसकी बुराई करे मैं और आप काम करेंगे दो ही किस्म के लोग होंगे या हो सकता है तीन किस्म के हो कुछ तारीफ़ करेंगे और कुछ बुराई करेंगे और कुछ होंगे कि भाई वो अपनी मुंह अपनी ज़ुबान को लगाम देंगे कि कुछ नहीं बोलेंगे कि न इधर न उधर तो इखलास की ये यहमत बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कहना आसान आपके लिए सुनना आसान लेकिन तारीफ करे तो तो आदमी खुश होता है किसको तारीफ अच्छी नहीं लगती है मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया मफहम यह है कि जानवर खा खा के मोटा होता है जानवर खा खा के मुंह से मोटा होता है कि जानवर ने मुंह के ज़रिए से खाया और वो मोटा हो गया और फरमाया कि इंसान कान के रास्ते से मोटा होता है इंसान कैसे मोटा होता है कान के रास्ते से तारीफ खाई तो नहीं जाती तारीफ सुनी जाती तो लोग अच्छा कहते हैं तो आदमी खुश होता है तो मेरी और आपकी तारीफ लोग करते हैं तो आदमी खुश होता है हर आदमी को तारीफ अच्छी लगती है किसको अच्छी नहीं लगती यहाँ तो मामला ठीक है लेकिन बुराई के लोग मेरी और आपकी के हम दीन का काम कर रहे हैं हमारी नीयत अच्छी है कोई खोट नहीं है हमारे काम में हम अल्लाह ताला के लिए काम कर रहे हैं लेकिन बावजूद इसके आपको ऐसे लोग समाज में सोसाइटी में माशरे में ख़ानदान में आपके दोस्तों अहबाब में ऐसे मिलेंगे कि आपकी नीयत में कोई फतूर नहीं है लेकिन फिर भी वो आपकी क्या करेंगे बुराई करेंगे कितने ने कित थी खोट खापड़ हो दिला है कि ऐम नहीं तो एम एम नहीं तो एम तो कितने ने कित अब ये मरहला बड़ा मुश्किल અબ આદમી એ હા ઇસપે આ જાતા હે બાજ મરતબા કે તું મારી બુરાઈ કરે એમ કે મેં અલ્લાના હારું આટલું કામ કરું હું પૈસા પણ નહીં લેવું એ હું મારો ટાઈમ જે છે તે આપી રહેલો છે ને પછી બી એમ કહી કે તમે મારી જે છે તે કહી કે બુરાઈ કરે એમ કે યા એક દો મર્તબા તો આદમી સુન લેતા લેકિન તીન મરતબા ચાર મર્તબા અબ ખતમ હા अब अगर मैंने ये काम कर लिया जो अभी आपको दिखाया मैंने या मेरे दिल की कैफियत बदल गई पता चला कि मेरे काम में आपके काम में इखलास नहीं है दोनों बराबर होने चाहिए जैसे मैं और आप तारीफ को हजम करते हैं इसी तरह किसको हजम करना आ जाए बुराई को तनखीस को ये हजम करना आ गया समझ लो ये सर्टिफिकेट मिल गया कि तुम अल्लाह के लिए कर रहे हो, हैं हाँ कोई दावा आसान है अल्लाह के लिए करने का कि मेरा काम जो है वो अल्लाह के लिए हो इन सब रास्तों से गुजरना पड़ता है सोना सोना तब बनता है जब बट्टी में क्या होता है हाँ उसको जलाया जाता है पिघलाया जाता है रगड़ा जाता है ख़ूब मेहनत जो है वो उस पर की जाती है तब जाकर जो है ये चीज़ पैदा होती है वरना वैसे पैदा नहीं होती तो पहली चीज़ के मद ज़म तारीफ़ व तनखीस ये बराबर हो जाए दूसरी इख़लास की अलामत के आदमी ने जो काम किया उसको गिनता गिनाता ना फिरे कि मैंने यूं कर दिया मैंने वो कर दिया मैंने ये किया मैंने वो किया फरमाया कि एक तरफ़ अल्लाह ने उससे काम लिया फौरन भूल जाए हाँ लोग याद करें लोग याद दिलाए अलग बात है जैसे आज मैंने बात शुरू की वो इसी कि मरने वाले तो हमसे नहीं कहे गए हैं कि तुम हमारा तस्करा करना लेकिन हम कर रहे हैं कि काम ऐसे करके जाओ कि लोग तारीफ करने पर मजबूर हो जाए तो एक करके आदमी क्या हो जाए भूल जाए तीसरे नंबर पर जो कुछ उसने किया उसका अजर किससे तलब करे अल्लाह से तलब करे दुनिया वालों से नहीं मखलूक से जो है वो नहीं उसका अजर किससे तलब करना है सवाब किससे चाहना है अल्लाह तबारक व ताला से जो है वो चाहना है ये तीन चीज़ें हैं तब जो है आदमी मुखलिस कहाँ जाएगा और ये कि उसने जो भी काम किया वो कैसे किया इखलास के साथ किया अताउल्ला शाह बुखारी रहमा बड़े आदमी गुजरे हैं। उन्होंने इंडिया की आज़ादी में भी बड़ा हिस्सा लिया पूरी ज़िंदगी तकरीबन जो है वो उन्होंने आज़ादी की खातिर गुजार दी देखिए इस्लाम में आज़ादी है ग़ुलामी इस्लाम कहता है ग़ुलामी को मिटाओ आज़ादी इख्तियार करो इंसान आज़ाद पैदा हुआ है उसको जिंदगी आज़ादाना गुजारनी चाहिए इसलिए इस्लाम हमेशा आज़ादी की हिमायत करता है तो बहरहाल उनकी जिंदगी कैसे गुजरी किसी ने पूछा हजरत आपकी जिंदगी कैसे गुजरी फरमाया आधी रेल में आधी जेल में कैसे गुजरी आधी रेल में आधी जेल में आज़ादी के खातिर जद्दोजहद करते थे मेहनत करते थे बयान करने पड़ते थे बातें लोगों को बतानी पड़ती थी हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ बोला पकड़ के कहाँ डाल दिया जेल में डाल दिया वहाँ से ज़मानत हुई रिहा होकर आए फिर किया और अब सफ़र करते रहते थे मुल्क भर का तो वो रेल के ज़रिए से ही सफ़र होता था तो फरमाया कि आधी रेल में आधी जेल में आखिरी ज़िंदगी उनकी तो उस वक़्त लोगों ने उनसे कहा कि हज़रत आपने मुसलमानों की आज़ादी के लिए इतना कुछ किया इखलास पे आपको बताना है कि देखिए उनका इखलास कैसा था कि हज़रत आपने इतना कुछ किया लोगों के लिए मुसलमानों के लिए आज़ादी के लिए और लोगों ने आपको बदले में क्या दिया कुछ भी नहीं सिवाय ज़िल्लत और रसवाई के यानी हमारी कौम ने उनको भी अखीर में उन पर भी निज़ामात लगाए एक बुजुर्ग हुआ करते थे हमारी तरफ इब्राहिम भाई शेख हमारे जानते होंगे मौलाना हक मियाँ शिमलक बनात वाले जानते हो ना हाँ वो फरमाते थे कि अगर तुम्हें अपने समाज का सोसाइटी का काम करना है तो ध्यान में रखो बदले में समाज और सोसाइटी तुम्हें क्या देगा गार और मार क्या मिलेगा गार बुराई और लोग हाथ भी उठाता तो इसलिए ये रास्ता जो है ना वो कांटों वाला रास्ता है कांटों भरा ताज है इसलिए कौम का समाज का काम करो पहले दिन दिल में बिठा लो कि तनकीद बुराई बर्दाश्त कर सकते हो तभी इस राह में आओ वरना मत आओ ये कांटो भरी राह है ये कांटो भरा ताज है दूसरी बात ये दिमाग में बिठा लो कि आप और जगह नौकरी करेंगे और कौम के लिए काम करेंगे जब एक वक्त गुजर जाएगा आपका फुल हार होगा स्वागत किससे होगा फुल हार से और हमारे यहाँ जब तुम कौम समाज सोसाइटी के लिए काम करते रहो जवानी बिता दी अधेड़ उम्र बिता दी आप बूढ़े हो गए और कौम आपको फूल हार देगी नहीं समझे एक फूल हार है और एक फूल हार है समझे कि नहीं कुछ नहीं देगी यानी आपके काम पे तनकीद करेगी आपको बदले में जिल्लत और रसवाई देगी आपके ऊपर इल्जाम की बोछार करेगी यही यही मिलने वाला है तो अताउल्ला शाह बुखारी के हर में भी और किस्मत में भी अखीरी उम्र में यही आया बूढ़े हो गए थे इल्ज़ाम की बौछार हैं लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं रुजल्लत रसवाई के अल्फाज कहते हैं तो किसी ने हज़रत से कहा कि हज़रत आपने इतना कुछ किया अपनी कौम के लिए मिल्लत के लिए और देखिए बदले में क्या दिया हज़रत का जवाब अपने दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ हज़रत ने जवाब में फरमाया कि भाई मैंने तो जब पहले दिन इस राह में कदम रखा था उसी वक्त मुझे पता था मेरी कौम इसके अलावा मुझे कुछ दे भी नहीं सकती है मेरी कौम इसके अलावा मुझे कुछ दे भी नहीं सकती और दलील क्या दी फरमाया कि मुझे छोड़ो मेरे नाना जान को इन्होंने क्या दिया मुझे छोड़ो मेरे नाना जान को क्या दिया नाना जान से कौन मुराद है हजरत हुसैन रजी अल्लाह ये सईद थे अताल्ला शाह बुखारी क्या थे सईद थे और सईद में दो किस्म होती है एक हसनी होते हैं सईद एक हुसैनी होते हैं हजरत हुसैन रजी अल्लाह ने को बदले में क्या मिला जानते हैं ना आप सारा खानदान तबाह हो गया पानी तक पीने नहीं दिया नमाज तक जो है वो पढ़ने नहीं दिया आज़ादी के साथ और निकले थे कौम के लिए मिलत के लिए सफ़र किया और करबला मशहूर है आप जानते हैं वो शाइन ने कहा भी है कि खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी बहत्तर प्यासों का है बंद पान मुझे कोफा वालो मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया कि मैं नहीं आया तुमने बुलाया मुझे ख़त लिख लिख कर और बड़े बड़े गुणचे जिसको बोलते हैं ना कोथरा बोरी वो भर गए थे ख़त के और लोगों ने बुलाया था कि आओ हम आपका यूं इकराम करेंगे यूं इज़्ज़त करेंगे यूं आपके हाथ पर बैत करेंगे ये वो और बदले में क्या मिला तो इसी को कहाँ कि मैं आया नहीं तुमने बुलाया मुझे तो हमारी कौम तो बुला कर भी यही देती है बहरहाल तो इखलास में ये तीन चीज़ें जो हैं वो दाखिल है तो जो भी हम काम करें ये तीन चीज़ें ये तीन सिफात अल्लाह ताला हमारे अंदर क्या करे वो जो हैं वो पैदा करे तब जाकर जो है वो बात बनती है बहरहाल मरहूम जो दुनिया से चले गए और जिन लोगों ने भी काम किया सुना कि नकीबुल इस्लाम सोसाइटी उसका जो क़याम हुआ उस वक्त या उससे पहले दो अब्दुल है अली भाई उनका बड़ा अजीम किरदार रहा है आज जो इस मस्जिद में हम बैठे हुए हैं उसमें दो अब्दुल है अली भाई एक ही नाम के और एक ही सदनेम के लोग उनका बड़ा अजीम किरदार औरों के किरदार को भी नहीं बुलाया जा सकता औरों की खिदमत को भी हम नहीं बुला रहे हैं कुछ इस मजलिस में मौजूद है वहाँ और यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ बैठे हुए इनकी भी खिदमत है लेकिन बहरहाल शुरू में जो लोग यहाँ पर आए और सुना कि हाफिज़ अब्दुल अब्दुल्ह अली भाई वो हॉलोवे में सुना के रहते थे और यहाँ उस वक़्त आते थे अपने जेब से पैसे ख़र्च करके आते थे और कुछ अरसा उन्होंने फीस भी नहीं ली बच्चों के पास मुफ़्त में पढ़ाया अपना वक्त उन्होंने मुफ्त में दिया और यहाँ तक के दूर से यहाँ तक पढ़ाने आते थे और जो कुछ उनको जेब खर्च वो जो ख़र्च होता था वो भी उन्होंने वसूल नहीं किया ये यूसुफ़ भाई जी मरू उन्होंने मुझे बताया था हाफिज़ हई के मुताल कि भाई वो आते थे और कुछ अरसा तो उन्होंने ये पैसा भी जो है वो नहीं लिया और हॉस्बल डस्टन रोड पर गालिबा डोर नंबर वन थ्री सिक्स शायद वही अली भाई का घर हैं तो वहाँ पर जो है वो मदरसा जारी हुआ शुरू हुआ उसके अलावा भी और घराने में भी हुआ एक तारीख़ है बहरहाल लेकिन ये शुरू के लोगों में से और इसके अलावा भी मैंने कहा ना फिर कहता हूँ और लोगों की भी कुर्बानी है लेकिन ये शुरू के जो हजरत हैं इनकी बड़ी कुर्बानी हुई दी इन्होंने और ये भी उन लोगों में से थे उस दौर में तो ऐसा माहौल भी नहीं था और उस दौर में दीन की फ़िक्र करना मदरसे की फिक्र करना बच्चों की फिक्र करना मस्जिद की फिक्र करना बड़ी बात है। और कोई माने के ना माने हम किसी की नीयत पर शक नहीं करते लेकिन लोग कहते हैं कि भाई बधाई दुनिया कमावा इंडिया से यही हुक् आवेला, बधा पैसा ज कमा पहला तो तेज नीयत होती पैसा ज कमावा, हाँ फिर नीयत जो है उसमें आदमी दिन की भी जो है वो शामिल कर ले लेकिन शुरू में आए थे इसी नीयत से लेकिन वो घर की तरबियत वो मकतब की तालीम जो इंडिया से लेकर आई थी वो यहाँ घर कर गई थी उसने इस माहौल में कि बहुत से लोग यहाँ आकर क्या हो गए गुम हो गए और हज़रत माना अली मियाँ साहब नदवी रमत लाई का मनफूज़ है सुनो अगर समझ में आ जाए फरमाया कि मगरब में जाकर तो सूरज भी गुम हो जा डूब जाता है नहीं समझे वो मशरिक है जहाँ से हम आए ये मगरिब है फरमाया कि मगरिब में जाकर तो सूरज भी डूब जाता है हाँ अब इसकी तशरी मैं नहीं कर सकता जो समझे वो अच्छा है जो न समझे वो समझने वाले से समझ ले हैं तो ऐसे माहौल में उन्होंने अपने ईमान की हिफाजत की अपनी आने वाले नस्लों की ईमान की हिफाजत की उनके लिए मकातब का निज़ाम जो है वो कायम किया उनके लिए मसाजिद का जो है वो इंतज़ाम किया वक्त की उन्होंने जो है वो कुर्बानी दी और इसके दर पे गए उसके दर पे गए आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे माहौल में मैं और आप बैठे हुए हैं ये सब उनका तुफैल है चमन में ये जो बाहर आई हुई है चमन में ये जो बहार आई हुई है ये सब पौध उन्हीं की लगाई हुई है हैं तो अल्लाह तबारक व ताला तमाम को क्या दे भरपूर जजाय जजाए खैर दे फिर देखिए अल्लाह के लिए करो अल्लाह मौत भी वैसी देता है मौत किस में आई रमज़ान के महीने हैं आज जो दुनिया से गए जो साहिब और ये बात भी याद रखे कोई दूध से धुला नहीं होता मैं भी नहीं आप भी नहीं इंसान इंसान है इंसान मात्र भूलने पात्र हैं अल्लाह फरमाते हैं फल हम फुजू रहा व तकवा दोनों चीज़ें हैं हर इंसान में ख़ूबी भी है खामी भी है मुझ में भी खूबी भी है खामी भी है आप में भी ख़ूबी भी है खामी भी है दुनिया से जाने वाले जो चले गए और आज जो गए उनमें भी खूबी भी थी खामी भी थी हर एक में होती है इंसान के अंदर ये चीज़ होती है इसीलिए कहने वाले ने कहा कि मुझ में खूबी भी है और खामियाँ भी ढूंढने वाले तू बता तुझे क्या चाहिए ए ढूंढने वाले तू बता तुझे क्या चाहिए दोनों है मेरे अंदर कि तुझे क्या चाहिए तो इसलिए खूबियां जो हैं और हुजूर ने क्या फरमाया अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है उस कुरु महासिना म ओ कमाक आल सलाम के मरने वाले में ख़ूबियाँ ढूँढा करो मत ढूँढा करो तो एक ख़ूबी उनको क्या नसीब हुई रमज़ान की मौत और रमज़ान की मौत हमारे बड़े बड़े हजरात इसकी तमन्ना किया करते थे साहिब मारिफुल्क्रन साबिक मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहिब रहमतुल्लाह आल के हालात में उनके लाइक फाइक सपूत साहिब ज़ादे शेख उम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहिब दामद बरक़ा तमालिया ने लिखा है जिसका खुलासा ये है कि वाल साहिब की मौत का वक्त बिल्कुल गोया के अब करीब है जाने के दुनिया से अंदाज़ा हो जाता है ना आदमी की उम्र भी होती है बीमारी भी होती है अब आदमी को ख़ुद को भी पता चल जाता है घर वालों को भी पता चल जाता है कि अब उसके इसके दुनिया से जाने का वक्त क्या है करीब है तो फरमाया कि रमज़ान करीब था और अब हमें ऐसा लग रहा था कि अल्लाह ताला ताल साहिब को कब अपने पास बुलाएंगे? रमज़ान में बुलाएंगे? हैं नूरानी भाई नूरानी महीने में बुलाएंगे रमज़ान नूरानी महीना है तो आरिफ भाई उसमें बुलाएंगे तो हम अब इंतज़ार करते थे पहला रोज़ा ख़त्म हुआ दूसरा तीसरा कि वालिद साहिब जो है रमज़ान ख़त्म नहीं होगी और अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे इस मुबारक महीने में मौत आएगी लेकिन रमज़ान गुज़र गया जब रमज़ान गुज़र गया तो हज़रत मुफ्ती साहिब दामद बरक़ा तो हूँ आलिया तहरीर फरमाते हैं कि एक दिन वाल साहिब ने ख़ुद हमें बताया अल्लाह अकबर बड़ों की नज़र कहाँ होती है, है? हम सोच भी नहीं सकते कि उनकी सोच जैसी होती थी परमाया कि सुनो मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं थी बुढ़ापा भी है उम्र भी है मुबारक में मौत की तमन्ना हर मुसलमान को होती है तो मुझे भी तमन्ना थी मेरी भी चाहत थी कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे अपने पास कब बुलाए मुबारक के महीने में बुलाए लेकिन मैंने ये दुआ अल्लाह से नहीं की कि अल्लाह तू मुझे रमज़ान की मौत देना मैं चाहता तो कर सकता था बीमारी भी थी उम्र का भी तकाजा था हालत भी वैसी थी लेकिन बजाय इसके कि मैं यूँ दुआ करता कि अल्लाह तू मुझे मुबारक महीने में अपने पास बुला मैं ये दुआ करता रहा कि अल्लाह इस महीने में अपने पास मत बुलाइए समझ रहे हो कि इस महीने में मत बुलाइयो ताजुब हुआ लोगों को कि यार ये क्या दुआ हुई और ये क्या बात हुई कि इस महीने में मुझे अपने पास मत बुलाइयो जिसमें मोमिन को मरने की तमन्ना होती है अल्लाह से मुलाकात की तमन्ना होती है फरमाया कि ये दुआ मैं इसलिए करता था कि रमजान में मेरी मौत आ जाती तो मेरे चाहने वालों को तकलीफ होती रोज़े की हालत में उनको मेरी मौत का गम बर्दाश्त करना पड़ता रोज़े की हालत में उनको मुझे कफन देना पड़ता रोजे की हालत में मेरे चाहने वालों को मुझे गसल देना पड़ता रोज़े की हालत में मेरे चाहने वालों को अपने कंधे पर सवार करके मुझे अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचाना पड़ता तो दिन में रोज़ा रखे हुए हैं भूखे हैं रात में तरावी में खड़ा होना है और उसके साथ साथ मेरे जाने का दुनिया से सदमा और इसके अलावा दूसरी ये ज़ाहरी तकालीफ उनको बर्दाश्त करनी पड़ती तो मैंने ये दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह मेरे चाहने वालों को मेरी वजह से जो रोज़ेदार है रात तरावी पढ़ने वाले हैं तेरे सामने खड़ा होना है तू मुझे इस महीने में अपने पास मत बुलाइयो कि कहीं मेरी वजह से इनको तकलीफ़ न सहना पड़े हज़रत <द्थरत> मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहिब दामद बरक़ा तो ने सादुल्ला साहिब आपकी नज़र है एक शेर वहाँ कोट किया है ये बात लिखकर। असद मुल्तानी एक शायर गुजरे हैं तो असद मुल्तानी का शेर वहाँ उन्होंने लिखा अभी तक याद था भूल गया एक मिसरा है चले कोशिश करते हैं ये आशियाँ किसी शाखे चमन पे बार ना हो एक मिसरा ये है ये आश ये आशियाँ किसी शाखे चमन पे बार ना हो शाखे चमन समझ रहे हैं चमन है बाग है फूल है उसमें शाख होती है तो जो पौधा है शाख का वजन किसको बर्दाश्त करना पड़ता है को बर्दाश्त करना पड़ता है ना तो फरमाया कि मेरा गम कहीं उनको बर्दाश्त न करना पड़े हाँ पूरी हयात इस हाल में गुजरी पूरी हयात इस हाल में गुजरी कि ये आशियाँ किसी शाखे चमन पे बार ना हो या कह लीजिए आशियाँ यानी छत घर मकान फरमाया कि शाखे चमन चमन की शाख कितनी कमजोर होती है अगर आशियाँ और घर मकान उस पर गिरेगा तो क्या हाल होगा ख़त्म हो जाएगा ना तो फरमाया कि वो तकली वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मेरी मौत आएगी रमज़ान के महीने में मेरे चाहने वाले इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे तो इसलिए पूरी ज़िंदगी इसी हाल में हज़रत ने फरमाया कि वाली साहब ने ज़िंदगी भी ऐसी ही गुजारी कि कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी चले बात निकली है मौजू से हटकर है लेकिन काम की है बता दूँ हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब दामद बरका आलिया ने वहाँ पर ये बात भी लिखी है मीर दो बातें बता दूँ फिर मजलिस ख़त्म करते हैं मीराश का असल तो बयान चल रहा था ए तो इसमें मीरास की बात भी आ जाएगी और ये समझने की चीज़ है हमारे सब के लिए हम सब के काम की चीज़ है फरमाया कि एक दिन बिला वक्त मेहमान आ गए घर पे वालिद साहब के मेहमान थे या हज़रत के उसमें मैं ज़रा भूल रहा हूँ तो फरमाया कि हमने फ़ोन करके या किसी आदमी से इत्तिला भेजी ए सॉरी इनको जो है वो दावत दे दी कि भाई आपको खाना हमारे साथ खाना है कि मेहमान ना आए तो कहा कि चलिए घर पे खाना है फरमाया कि वालिद साहिब ने इसलाह की टोका और कहा कि भाई ये तो दावत का उसूल नहीं है ये तो मेहमान नवाजी का उसूल नहीं है हाँ अगर तुमने इनको दावत दी कि चले नज़ीर भाई आप आए हैं लाजपुर और मैं कहूँ नज़ीर भाई आपकी मेरे घर दावत तो मैं लाजपुर नानावाड़ी चिकन सेंटर पे ले जाऊँ हैं या अहमदाबादी पे ले जाऊँ तो कोई बात नहीं कि पैसा दे के लेकिन ये दावत कहाँ की घर पे ये हम लोग भी करते हैं ये सीखने की चीज़ है फरमाया कि तुमने दावत दी और घर वालों को कि आज आपकी घर पर खाने की दावत तुम्हें पता है तुम्हारे घर में खाना है भी या नहीं खाना बचा हुआ है भी या नहीं नंबर एक नंबर दो तुम्हारी घर वाली अभी मसरूफ है या फारिक बैठी हुई है तुम्हें क्या खबर हो सकता है वो किसी अहम काम में मसरूफ हो मशगूल हो क्या पता उसकी तबीयत जो है ठीक ना हो अभी सर में दर्द पेट में दर्द या कोई और दर्द जो है वो उठ गया हजरत ने फरमाया कि इस तरह अचानक किसी को दावत तुमने दी देना है और यहाँ याद रखो दावत की तीन किस्में हैं लिखा है दावत की तीन किस्में अब हमारे यहाँ तो मसला ये होता है इस्माइल चचा कि अब लोग जानते नहीं तो दावत की तीन किस्में ामा ने लिखी वो कराओ नहीं जानते तो कह ओ भाई हमें कहीं भूखा मरवाना होता कि अभी रितना हमारी इज़्ज़त अफजाई करी खाने की तीन दावत की तीन किस्में सबसे बेस्ट हमारे नज़दीक हमारे एतबार से ये हमारे एतबार से कि घर पे जाकर खिलाए मोहब्बत से दस्तरखान पे बैठकर खिलाए ये हमारे नज़दीक सबसे बेस्ट है और हम इसी को मेहमानी समझते हैं दूसरा मैं जैब से निकाल कर पैसे दे दूँ कि आरिफ भाई ये पैसे लो हैं और ये दस पाउंड बीस पाउंड आपको जो खाना है खा लेना मेरी तरफ़ से दावत तीसरी जो ओलमा कहते हैं सबसे बेस्ट है नहीं सॉरी मैंने गलत कह दिया दूसरा कि खाना हम बाहर से मंगवाए खाना क्या करें होटल से टेक अवे से मंगवाया और उसको खिलाया और तीसरा ये कि हम नकद और कैश रकम दे दें कि भाई ये हमारी तरफ से एक आदमी है तो दस पाउंड पंद्रह पाउंड में हो जाता है कि भाई आपको जहाँ खाना है जो खाना है आप खा लेना मेरी तरफ से दावत ये तीनों दावत की किस्म है ઘર કિસી ખો પૈસા પૈસા પકડ પાછો આપી દેજે હેરામ મેં હોઈ એસા પૈસા ભેજ દેગા હાલાકી ઉલ્લામા લિખા હે દાવત લેકિન નહી માલુમ મા સમાજ મેં સોસાયટી મેં રિવાજ નહીં તો ઉલ્ટા દો ચાર સુ કે રકમ વાપસ કરેગા हालांकि उसको खुश होना चाहिए कि इसमें उसका वक़्त भी बच गया है और हो सकता है घर पे वो डिश बनी होती कि ये वो शुगर फ्री नहीं है और ये पूरा शुगर से भरपूर हैं हाँ पूरा शुगर से भरपूर एक साहिब हज़रत मौन अबरार अहमद साहिब दुलेबी रमतल आल की खिदमत में आए हज़रत ने फरमाया कि ये साहिब बहुत मीठे हैं इतने मीठे कि पेशाब भी मीठा करते हैं सुबह भाई कह रहे सुबह अल्लाह तो ये पेशाब भी जो है वो मीठा करते हैं अब लोग सोचने लगे कि यार पेशाब भी कभी मीठा होता है हैं इतने मीठे हजरत ने फरमाया असल में ये हाई शुगर के मरीज हैं है, क्या है हाई शुगर रहती है इसलिए पेशाब भी और फिर हजरत अपने मुतल फरमाते थे के लोगों को बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं बुजुर्गों की खिदमत में साठ सत्तर साल में जाकर उनका शुमार शाकिरीन में होता है फरमाया बंदे का शुमार तीस पैंतीस साल में ही शाकिरीन में हो गया नहीं समझे शाकिर यानी वो शकर शुगर से हाँ वो वो शाकिरीन नहीं जो अल्लाह ने फरमाया कि शुक्र अदा करो अल्लाह की लिस्ट में शाकिरीन वो नहीं हज़रत फरमाते थे कि तीस पैंतीस साल में ही शुगर हो गई तो अपना शुमार तो नौजवानी ही में साकिरीन में हो गया हैं समझ आए कि नहीं तो ये सबसे अच्छी दावत है कि क्या दे दिया जाए कैश इसमें हो सकता है 5 पच्चीस बची भी जाए हैं ते हो अपनाज पासा लेकिन अब क्या करें कि रिवाज नहीं है खैर ये भी सीखने की चीज है याद रखो तीसरी आखिरी अहम चीज हजरत मुफ्ती तकी साहब दावत बरकात हूं लालिया ने लिखा है कि आखिरी जमाने में कि जब वालिद साहब के अब चंद दिनों के मेहमान यह हालत हो गई बहन के घर से कोई चीज आती थी भाई के से कोई चीज़ पक्कर आती थी। मेरे घर से कोई चीज़ पक्कर आती थी। जैसे ही हजरत ने वो बर्तन इस्तेमाल किया मामूली कीमत का, का बर्तन होता था फौरन वाली साहब फरमाते थे कि मेरे कमरे से हटाओ मेरे रूम से हटाओ बहन के घर से यानी उनकी बेटी के घर से आया पहुंचाओ बेटी के घर भाईजान के घर से आया भाईजान के घर पहुंचाओ। मेरे घर से आया फरमाया तकी अपने घर पहुंचाओ। हम सोचते थे कि वाली साहब ऐसा क्यों करते हैं तो फिर वाली साहब ने एक दिन फरमाया मुफ्ती शफ़ी साहब ने कि पता नहीं मेरी आँख कब बन हो जाए और मेरे कमरे में जो चीज़ें पड़ी होगी कहीं तुम ये न समझ लो कि ये मेरी मालिकी की है और मेरी मिलकियत समझ कर तुम उसे मीराश में और विरासत में तकसीम कर दो गुनेगर में क्यों शर्म के मारे तुम नहीं बोलोगे कि कोई ग्लास है कोई बर्तन है प्याला है तो चंद रुपयों का है चंद पैसों का है तो बहन नहीं बोलेगी कि ये तो मेरा था भाई नहीं बोलेगा कि ये मेरा था या तू नहीं कहेगा तकी कि ये कि तेरा था है ना बासमतब आदमी नहीं बोलता लेकिन वो तो उनकी मिलकियत नहीं है तो ये कहीं मीराश में तकसीम न हो जाए और गुना मेरे सर ना देखिए इतना जो है वो ध्यान था बहरहाल अल्लाह ती इनकी भी मफफरत करे अहमद भाई कापड़िया भी अभी माजी करीब में दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उनकी भी यूसुफ चचा अली भाई जो हैं उन्होंने भी बड़ा उसमें किरदार रहा अशरफ चचा दीवान हमारे लाजपुर के थे वो भी यहाँ थे उस वक्त नकीबुल इस्लाम के वक्त तो उनका भी किरदार रहा पटेल फैमिली का और भी बहरहाल बहुत से लोगों की क़ुरबानियाँ रही हैं तो ये चमन जो है वो लहलहा रहा है जब तक यहाँ से हिदायत की हवाएँ उठती रहेगी उनकी कब्र में खुशबू पहुंचती रहेगी है वो जिंदगी ही के अंदर क्या करके गए अपने लिए क्या करके गए बोलो सदक जारिया ये उनके लिए जारी जारिया है। ये अपनी जिंदगी ही में ये लोग जो हैं वो करके गए आखिरी गुजारिश इंडिया के हालात दिन दिन बदतर होते जा रहे हैं एक साहिब का आज फोन आया था कि कुछ नाम लिया बरोडा से ऊपर इतनी सख्त हालत है मुसलमानों की कि वहाँ मंसूबा बना लिया गया और इन लजीना आमनों को दूध भी नहीं दिया जा रहा और कहाँ कि रमज़ान में बेचारे शहरी में बग़ैर दूध की चाय पी रहे और ऐसे वीडियोस तो आपने भी देखे होंगे अब वो लोग कसम ले रहे हैं कि मुसलमानों से लेन देन नहीं करेंगे उनके रिक्शे में नहीं बैठेंगे उनके सवारी में सवार नहीं होंगे उनकी दुकान से नहीं ख़रीदेंगे जो बायकाट हुजूर के ज़माने में तीन साल तक हुआ था किया था तो उससे मिलती जुलती सूरत जो है अब वहाँ पेश आ रही है और पूरे आलम में जहाँ भी ऐसा वो दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व ताली हालात साजगार फरमाए बेहतर फरमाए मुसलमानों के हालात पर रहम फरमाए बल्कि जो भी मज़लूम है जिस कौम से हैं अल्लाह तबारक व ताली तमाम मज़लूम की ग़ैब से मदद फरमाए और जो लोग ऐसे हैं न्यूट्रल है अल्लाह ताला उनके दिलों में उनके लिए मोहब्बत पैदा फ़रमाए मजलूम के लिए और उनके लिए जिस प्लेटफॉर्म से जहाँ से आवाज़ उठा सकते हो आवाज़ उठाने की तोफ़ी नसीब फरमाए और कम अज़ कम मुझे और आपको उनके लिए दुआएं ख़ैर करने की जो है वो तोफ़ी नसीब फरमाए सुबह नाबि हमदही सुबह हमदेही नशद